नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं आपके साथ मनीषा शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट में आज फिर बात होगी यूपी में बीजेपी की हार के साथ साथ दिग्गजों के इलाकों में हार को लेकर। दरअसल यूपी में बीजेपी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। 49 में से 27 मौजूदा सांसद चुनाव हार गए हैं। माना यह गया कि यूपी में बीजेपी को इस बार एंटी इनकम्बेंसी की बड़ी वजह से ही ये झटका लगा है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 37 सीटें प्राप्त हुई हैं। बीजेपी को पिछली बार के आम चुनाव की तुलना में 29 सीटों का नुकसान हुआ है, यानी घाटा हुआ है। इसके बाद यूपी सरकार एक्शन मोड में है। रिजल्ट यानी नतीजा आने के बाद 48 घंटे के अंदर बड़े फैसले लिए गए हैं। बड़ा फैसला विभागों में खाली पदों पर नौकरी देने का भी है और सीएम ने बाकायदा इसके लिए अफसरों को ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए एनकाउंटर से लेकर पुलिसकर्मियों को सस्पेंड और लाइन हाजिर करने तक की कार्रवाई की जा रही है। 2 दिन में 61 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। 13 जिलों में 16 एनकाउंटर हो चुके हैं और जिसमें 2 बदमाश ढेर हुए हैं। आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। चुनावी हार पर मंथन लगातार हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा 2024 के परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने सभी अफसरों के साथ मीटिंग बुलाई है और जिस तरीके से अब खाली पद हैं उनमें भर्ती और साथ ही साथ बिजली कटौती को लेकर के नाराजगी भी व्यक्त की है। हमारी मौजूदगी भी इस वक्त लोकभवन में है, जहां आज 11 बजे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई थी, जिसमें तमाम चर्चाएं हुई हैं। ठीक पीछे आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, आपको दिखा दें, लोकभवन में जो मीटिंग है वो खत्म हो गई है और जिस तरीके से रिजल्ट के बाद यूपी सरकार में बड़े एक्शन शुरू हो गए हैं और यूपी में 13 जिलों में 16 एनकाउंटर हुए हैं। जल्द ही खाली पदों पर 11,000 से भी ज्यादा भर्तियां निकाली जाएंगी। मंत्रियों संग मुख्यमंत्री की बैठक में बिजली कटौती, मंत्रियों की जनसुनवाई न करने जैसे मुद्दों पर भी बात हुई है। तो देखिए साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से रिजल्ट आने के बाद चुनाव के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में आ गए हैं और दूसरी ओर ये भी है कि आज उन्होंने कैबिनेट में सभी मंत्रियों को बुलाया था, उनसे जवाब तलब भी किया, रिपोर्ट मांगी कि आखिरकार कमी कहाँ हो गई। तो 2-3 मुद्दे थे। पहला मुद्दा ये भी कि जिस तरीके से इस बार परिणाम आए हैं उसको लेकर चर्चा हुई कि आगे अब किस तरीके से काम किया जाए जिससे ऐसी गलतियां दोबारा रिपीट ना हो, और साथ ही साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में वोट शेयर कम हुआ है उसको कैसे बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद तमाम और विकास के बिंदु हैं, जैसे जिस तरीके से जो खाली पद हैं उनमें कैसे उनको कैसे भरा जाए और साथ ही बिजली कटौती को लेकर के जो समस्याएँ हैं वो भी उभर रही हैं उसको कैसे रोका जाए। तो इन तमाम बिंदुओं पर अंदर बातचीत हुई है और आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कैबिनेट और मंत्रियों को बुला करके बैठक ली है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रशद के साथ में निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। देखिए इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सभी का इंट्रोडक्शन उनसे करवा देती हूँ। नवलकांत सिन्हा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ ही चर्चा का हिस्सा होने वाले हैं, तो मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष अग्रवाल जी बहुत स्वागत है, नवलकांत जी आपका भी बहुत स्वागत है हमारे साथ ही चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन नवलकांत जी आप ही के साथ चूंकि इस चर्चा की शुरुआत में करना चाहूंगी, हार के बाद एक्टिव मोड में योगी सरकार नजर आ रही है, लगातार बैठकों का दौर जारी है, मंथन का दौर जारी है, क्या लगता है क्या एंटी इनकम्बेंसी दूर कर पाएंगे? देखिए एक ये चुनाव प्रक्रिया बहुत लंबी थी और लंबे समय तक चुनाव चल रहा, तो जाहिर सी बात है पूरा प्रदेश जो है चुनाव व्यवस्था तो जिलों की जो स्थिति वो बहुत बिगड़ी हुई थी। अफसरों के पास भी इतना समय नहीं था कि वो कानून व्यवस्था को लेकर या अन्य चीजों को लेकर बहुत ढंग से काम कर सकते। और दूसरी बात कि जब चुनाव में लोग लगे हुए थे तो जो ध्यान दिया जाना चाहिए था उस पर पूरा नियंत्रण खत्म होता सा दिख रहा था, और जो रिजल्ट के परिणाम है वो भी बता रहे हैं कि जनता में नाराजगी है और एक एंटी इनकम्बेंसी है।
तो उसी को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग की और उसका असर दिखने लगा है। जिस तरह से अपराधियों को पकड़ा गया, जिस तरह से एनकाउंटर हुए और जिस तरह से पुलिस का सिपाहियों का सस्पेंशन हुआ, तब वो बताता है कि जो लोग नेगलेक्ट कर रहे थे कानून व्यवस्था को, उनपे कार्रवाई करने का दबाव था मुख्यमंत्री की ओर से। और जिस तरह से उन्होंने मीटिंग में अफसरों से कहा कि और सख्ती पेश से आने पर, वो जताता है कि अब लग रहा है कि जो कमी रह गई है कम से कम उसको दुरुस्त किया जाए, उसके बाद जो चुनाव की वजह से गैप आ गया था उसको सही। ठीक है, मनीष अग्रवाल जी का मैं रुक कर लेती हूँ। मनीष अग्रवाल जी, अभी ये जो लगातार एक्टिव मोड में योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, यानी कि ये तो समझ में आ गया है कि आप जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए थे उन मुद्दों को तो लोगों ने नकार दिया है। आप राम मंदिर को लेकर गए थे तो आप ये समझ में आ गया है कि खाली मुद्दों पर बात करने से बात नहीं बनेगी, अब काम करके दिखाना होगा, अधिकारियों को लाइन हाजिर किया जाना चाहिए, अधिकारियों ने जो लापरवाही बरती है उनको लगातार सख्त करना चाहिए ताकि वो धरातल पर काम कर सके। मनीषा जी, आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मैं फिर ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि राम मंदिर एक मुद्दा नहीं था। राम मंदिर एक मुद्दा जरूर था, लेकिन जातिगत समीकरणों के कारण अयोध्या में पहले भी दूसरी पार्टियों की जीत होती रही है। 1990 के बाद भी कांग्रेस जीती है वहां पे, सपा जीतती है। ये प्रॉब्लम होती रहती है जब जातिगत समीकरण इकट्ठा होते हैं। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर जो है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की यूएसपी था, चुनाव से पहले भी था और चुनाव के बाद भी रहेगा। जो उनकी सबसे कठोर नीति थी कि लॉ एंड ऑर्डर पे जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस पे उन्होंने आचार संहिता खत्म होते ही काम करना शुरू कर दिया है। गवर्नेंस के मॉडल में जो बदलाव उन्हें लाने हैं वो जरूर लाएंगे, लेकिन फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो हार है ये रॉन्ग कैंडिडेट सिलेक्शन और पोलराइजेशन ऑफ वोट्स की है। जो दलितों का पोलराइजेशन मायावती जी की पार्टी से सपा और कांग्रेस के प्रति हुआ है, जो MY फैक्टर मुस्लिम यादव फैक्टर का कॉम्बिनेशन सपा नहीं बना पाती थी, वो इस चुनाव में सपा ने बहुत अच्छे से बनाया है। और कांग्रेस जो भी सीट जीती है रायबरेली अमेठी को छोड़ के, वो बाकी चारों सीटें भी सपा की ही देन है। तो अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस चुनाव में, लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी वो सरकार बनाने में असमर्थ रहे हैं केंद्र में। तो अब उन्हें इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करने के लिए बहुत से मेजर्स लाने होंगे, क्योंकि जनता से जो वादे हुए थे विपक्ष के रूप में, उसकी डिलीवरी मैकेनिज्म कैसे होगा? क्या वो केंद्र में रहेंगे, क्या वो प्रदेश में रहेंगे, क्या वो अपना रोल केंद्र की राजनीति में बढ़ाएंगे या अभी भी वो प्रदेश पे फोकस रहेंगे? ऐसे कुछ निर्णय उन्हें भी जल्दी लेने पड़ेंगे। और जनता को अब ये सिलेक्शन करने को मिल जाएगा कि कांग्रेस और सपा उनसे जो वादे कर रही थी इस चुनाव में, अब उन वादों की डिलीवरी कैसे होगी, और अगर नहीं होगी तो जनता का आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी करा है उत्तर प्रदेश के लिए या वो जो आगे करना चाहते हैं, उस पर कहीं से कहीं तक कोई संशय नहीं है। हाँ, लेकिन कैंडिडेट का सिलेक्शन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कॉम्प्लिक्सेंट हो जाना कि अगर मोदी जी हैं तो हम जीत ही जाएंगे, कुछ कैंडिडेट्स पे ध्यान न देना, कार्यकर्ताओं का संघ के संग समन्वय करके लोगों के तक, और बस संघ भी कुछ खास एक्टिव इन चुनावों में नजर नहीं आया। मनीष अग्रवाल जी, ठीक है, मैं नवल कांत जी का रुख कर लेती हूँ एक बार फिर से। नवल कांत जी, आप क्या आपको ये लगता है कि आपके विचार से एंटी इनकम्बेंसी दूर करना ये उतना जरूरी है, लेकिन क्या उससे भी ज्यादा जरूरी है कि प्रदेश में अधिकारियों को सख्त रखना? और जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि एनकाउंटर हो रहे हैं, इसमें दो बदमाश घायल हुए हैं, लगातार इस तरह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसी लॉ एंड ऑर्डर को दोबारा से मेंटेन करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जिसके नाम पर लगातार वोट हासिल करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ ने की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने तो गुंडा राज कम किया, उन्होंने कहा कि हमने बुलडोजर पॉलिसी लेकर आए हैं जिसकी सराहना बाकी राज्यों में हो रही है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आप योगी आदित्यनाथ को यह समझ में आ रहा है, या फिर आप किसी तरीके से कि अभी लॉ एंड ऑर्डर यानी प्रशासनिक अमले पर जितनी सख्ती बरती जाए उतना ज्यादा बेहतर है, इस ये आगे किस तरीके से काम करेगा? देखिए, चुनाव के बाद एक स्वाभाविक मीटिंग होती है और उसके बाद जो भी सिस्टम होता है उसको दुरुस्त करने की कोशिश होती है। लेकिन जो मनीषा एंटी इनकम बेसिस की बात कर रही है, वो अभी तय करना मुश्किल है कि वो एंटी इनकम बेसिस की वजह से हुआ कि दूसरे कारण हुए। मुझको तो लगता है कि अयोध्या में एक तरफ समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट दे दिया था जो दलित था, और दूसरी तरफ वहां के जो बीजेपी के कैंडिडेट थे लल्लू सिंह, जिस तरह से उन्होंने कहा कि संविधान को बदला जाएगा, इसके 400 सीटों की जरूरत है,
इसी तरह कर्नाटक के बड़े नेता हैं, 6 बार के सांसद रहे अनंत हेगड़े, उन्होंने भी कहा कि संविधान बदलने की जरूरत है क्योंकि 400 सीट रही तभी संविधान बदल पाएगा। और वही एक नरेटिव सेट हुआ, देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ड्राफ्ट किया वो संविधान है, और जो दलित समाज है खासतौर से उसको बड़ा अटैचमेंट रखता है। और फिर जो कांग्रेस की तरफ से एक नजरिया पेश किया गया कि ये संविधान बदलना इसलिए चाहते हैं कि वो यहाँ पे आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, मुझको लगता है कि सबसे बड़ी समस्या बीजेपी के लिए यही रही कि नैरेटिव बड़ा नुकसान दे रहा है। इसका नुकसान बीएसपी को भी आप देख सकते हैं, उनके वोट का परसेंटेज कम हुआ है, और वो जो ये माना जाता था कि ये वोटर अगर कभी बीएसपी से हटेगा तो वो बीजेपी की तरफ जाएगा, उसने सपा और कांग्रेस का रुख किया, ये मुझको लगता है सबसे बड़ी वजह बनी। दूसरी बात, जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट सिलेक्शन था वो जातियों का जो घोड़ा गणित जिस तरह से उन्होंने समीकरण बैठा के प्रत्याशियों को उतारा, जैसे कि यादव अगर उनके प्रत्याशी उतरे तो उनके परिवार के लोग यादव उतरे, बाकी जगह जो दूसरी जातियां थी जो अफेक्टिव जातियां थी उनको उतारा। और ये भी ध्यान रखा कि अगल बगल के जिलों में किस किस जाति का प्रभाव, अगर एक कैंडिडेट दूसरे जिले में, जैसे उदाहरण दो आपको दूं कि गाजीपुर में मुस्लिम कैंडिडेट था समाजवादी पार्टी का अफजल अंसारी, और बीजेपी ने वहां पे एक कैंडिडेट किया था जो कि भूमियार बिरादरी का था, लेकिन घोसी में सपा ने भूमियार बिरादरी का कैंडिडेट दिया और उसका इफेक्ट हुआ कि सब जगह के वोट सिमटे और वो बीजेपी से सिमटे और समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़े। ठीक है मनीष अग्रवाल जी, क्योंकि अभी 27 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जिस तरीके से बीजेपी को नतीजे देखने को मिले हैं, बीजेपी ने जिस झटके को अभी झेला है, कहीं ना कहीं अब ये समझ में आ गया है कि धरातल पर काम करना होगा, काम करने के लिए योजनाएं पूरी बेहतर तरीके से लोगों को मिल सके इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जाएंगे, अधिकारियों को टाइट रखना होगा, तभी धरातल पर जो योजनाएं हैं वो अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक पहुंच पाएंगी। और शायद यही वजह है कि अब कार्यप्रणाली में चेंजेस हो रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रशासनिक फेरबदल भी चल रहे हैं, लाइन हाजिर कई लापरवाह पुलिस कर्मियों को किया गया है, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो यानी कि आप सरकार कैसे चलती है, उसमें अधिकारियों का क्या रोल होता है, इसको सीएम योगी आदित्यनाथ बखूबी समझते हैं और यही संदेश वो देने की कोशिश कर रहे हैं। मनीषा जी आप बिल्कुल सही कह रही है, प्रशासनिक अधिकारियों पे से तो काम कराना ही पड़ेगा और उनसे डिलीवरी भी मांगनी पड़ेगी कि कहाँ पे परियोजनाएं रुक रही हैं और कहाँ पे नहीं रुक रही हैं। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी को यूपी में ये भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये एंटी इनकम्बेंसी कैंडिडेट्स की थी या इसके कुछ और कारण थे। अगर ये एंटी इनकम्बेंसी कैंडिडेट्स की थी तो उसके लिए उन्हें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब 27 का चुनाव होगा तो यूपी में सबसे ज्यादा 425 विधानसभा की सीट है, तो उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। ये देखना पड़ेगा कि ये कैंडिडेट्स की इनकम्बेंसी थी, पॉलिसीज की थी या क्या इसके मुख्य कारण थे एंटी इनकम्बेंसी होने का, जो ऐसा वोट प्रतिशत उनका तब्दील हुआ कि सारे समीकरण ही बदल गए। बिल्कुल मनीष अग्रवाल जी, लेकिन देखिए इस पर तो मंथन लगातार किया ही जा रहा है, लेकिन जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं उनका पूरी तरीके से लाभ लोगों को मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा, यहाँ पर लाभार्थियों को कितना फायदा पहुंच रहा है, उसकी जिम्मेदारी तो पूरी तरीके से अधिकारियों की होती है कि बीच में कोई भ्रष्टाचार ना हुआ हो, बीच में कोई लैक ना रहा हो, ये पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से जैसे सरकार के द्वारा चलाई गई वैसे ही अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, ये जिम्मेदारी अधिकारियों की है। तो लिहाजा इसका प्रभाव जो है वो 27 में भी देखने को मिलेगा अगर अभी से ही शुरू करेंगे कार्रवाई तब। मनीषा जी आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन मुझे लगता है सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ उत्तर प्रदेश की सरकार उठा रही है और उत्तर प्रदेश की जनता उठा रही है। अगर आप आज के अखबारों में देखेंगे तो हेल्थ सेंटर्स में अपनी रैंकिंग बढ़ी है और चीजों में अपनी रैंकिंग बढ़ी है। प्रधानमंत्री की योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ यूपी के 8 से 10 जिले उठा रहे हैं, उसका कल अखबार में डेटा भी निकला था कि कैसे वो आकलन करते हैं कि 1 लाख में से कितने लाभार्थी हैं। योजनाओं की मुश्किल नहीं थी, ये मुश्किल ज्यादातर मुझे लगता है जातीय समीकरण की थी, जो इस बार बीजेपी के फेवर में बिल्कुल भी नहीं बैठे, चाहे हम उसमें दलित का मुद्दा ले लें, चाहे संविधान का मुद्दा ले लें, चाहे आरक्षण का मुद्दा ले लें। तो वो जो ग्राउंड पे वोट एकजुट हुआ और मायावती जी का जो वोट चेंज हुआ वो बीजेपी के पास 19 और 22 के चुनाव में ऐसा लगता था कुछ परसेंटेज आता था, लेकिन इस बार वो सारा वोट जो है वो अखिलेश यादव और कांग्रेस के पास चला गया।
एमवाई सेक्टर की कामयाबी दलितों के वोटों का ध्रुव आकर्षण और नतीजों में इतना बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला। ठीक है नवल कांत जी, देखिए मनीष अग्रवाल जी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक कमी तो देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर जातीय समीकरण यानी जाति के आधार पर जो एक मुश्त वोट जाना था उसमें कहीं ना कहीं हमने देखा है कि बड़ा फेर बदल और उलट फेर हुआ है, यानी कि जातिगत आधार पर इस बार ज्यादा वोटिंग हुई। आपका क्या विचार है, क्या वाकई में जातिगत आधार पर वोटिंग होना इस तरीके से बीजेपी के उम्मीदों के विपरीत चुनावी नतीजे लेकर आया है, या फिर अधिकारियों की लापरवाही, योजनाओं का सही तरीके से नहीं पहुंचना, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, जहां पर अवैध तरीके से बनाए गए निर्माणों को हटाया जाना है, उनकी आड़ में जो आम जनमानस को तकलीफ झेलनी पड़ रही है। हम अयोध्या लगातार मैं बात कर रही हूं, देखिए अयोध्या में हमने क्या देखा कि ग्राउंड जीरो पर जो मुआवजे का ऐलान किया गया वो भी मुआवजा नहीं मिला, तो यहां पर भी देखिए कहीं ना कहीं अधिकारियों की एक लापरवाही सामने आ जाती है। विस्थापित नहीं किया गया, वहां पर रहने की व्यवस्था नहीं की गई पहले, यहां पर लोगों को रहने सहने के लिए, और वहां पर लोग बिलखते हुए नजर आए हैं, वो नाराज की एक वजह है कि यहां पर नाराज है तो क्यों है, उनके पास एक वैलिड रीजन भी है। देखिये निश्चित रूप से ये सबको आश्चर्य हो रहा है कि एक तो राम मंदिर बना, ऊपर से राम मंदिर बनने के बाद तमाम योजनाएं गई, हजारों करोड़ रुपए अयोध्या में खर्चा किए गए, फिर ये क्यों हार हुई। इसको समझने के लिए आपको पहली बात ये समझना होगा कि जो वहां पे लोगों के जो घर तोड़े गए या प्रशासन ने कब्जा किया या दुकानें तोड़ी गई, तो उसका जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो जितना मिलना चाहिए था उससे बहुत ही कम था, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके घर के कागजात नहीं थे, वो 100 साल से 150 साल से रह रहे थे, तो उनको भी हटाया गया, उनको मुआवजे के तौर पे कुछ नहीं था, बल्कि तमाम नोटिसें भी वहां जारी की गई, तो वहां के लोगों को बहुत फायदा नहीं हुआ। लेकिन तब भी उसके बावजूद अयोध्या के लोगों की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं, हमको नहीं मिला लेकिन हमारा शहर बढ़िया हो जाएगा, हमारी जो शेष जमीन 25 से दाम बढ़ जाएंगे तो वो हमारी पूरी जमीन के बराबर हो जाएंगे, और उन्होंने इसको सहन कर लिया। लेकिन आप देखिए ना कि वहां पे तमाम दुकानें बनी, तमाम होटल बने, उसमें किसी भी अयोध्या के लोगों का बहुत कम शेयर है। फिर जो बड़े बड़े लोग आने लगे, जो बड़े बड़े होटल बनने लगे, अब ये कहा जाना लगा कि यहाँ पे जो अयोध्या में लोग गुजरात से आके व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो इसका बड़ा असर हुआ। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए ना कि जो अयोध्या सीट है, जो विधानसभा क्षेत्र अयोध्या है, उसमें वोटों का परसेंट के हिसाब से, नंबर के हिसाब से बीजेपी वहां पे चुनाव जीती है। लेकिन अयोध्या का मतलब केवल अयोध्या शहर ही नहीं है, फैजाबाद और अयोध्या शहर ही नहीं, ग्रामीण इलाका भी बहुत बड़ा इलाका है। और हमने देखा है कि जो एक मुश्त जो वोट झटका है वो तो ग्रामीण इलाकों में, और ग्रामीण इलाकों में वोट कम होना या फिर वहां के लोगों का वोट ना करना बीजेपी को या समर्थन ना करना, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यहाँ पर योजनाओं का लाभ पूरी तरीके से नहीं मिला लोगों को। यह भी तो एक नाराजगी सर हो सकती है ना लोगों की, कि आप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वो केवल शहरवासियों के लिए ही है क्या, वो योजनाएं शहरों तक ही सीमित है या फिर ग्रामीणों तक भी है। जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी नाराजगी थी, और नाराजगी सबसे ज्यादा वहां के जो प्रत्याशी बने थे लल्लू सिंह, उनको लेके बहुत नाराजगी थी, कार्यकर्ताओं का भी बड़ा विरोध था, वो शहर में ही लोगों से नहीं मिलते थे, जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें ग्रामीण इलाकों में तो मिलने की छोड़िए, तो जब भयानक तरीके से नाराजगी हो, अयोध्या के लोगों को कुछ ना मिला हो, मंदिर तो बना वो सबके लिए बना, लेकिन उसका जो फायदा सब तक पहुंचना चाहिए वो पहुंचा नहीं, उस जाहिर सी बात है। एक आखिरी सवाल मैं मनीष जी से ले लेती हूँ। मनीष जी, ये जो लगातार एक्शन चल रहा है, ये जो एनकाउंटर चल रहे हैं, पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण चल रहे हैं या फिर लाइन हाजिर हो रहे हैं, कुछ को सस्पेंड किया गया है, इसका कितना असर आप धरातल पर देखने को मिलेगा, लोग कितने संतुष्ट होंगे आप? देखिए ये सरकार की तरफ से एक कोशिश है जनता में फिर से वही फेथ जनरेट करने की जो पहले था कि आपने हमें वोट दिया है या नहीं दिया है, हम जिस तरीके से काम करते आ रहे थे काम करते रहेंगे, और दूसरे जातिगत और ये राजनीतिक समीकरण बदलने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में कोई डिस्टर्बेंस ना है, तो ये काम ऐसे ही चलता रहेगा और इसको ऐसे ही चलना चाहिए, ये कोई द्वेष की भावना से नहीं चल रहा है। लेकिन अगर कुछ लोग किसी चीज का फायदा उठाना चाहते हैं तो सरकार का ये दायित्व है कि सरकार को इन चीजों को रोकना चाहिए, और इसी के साथ सरकार को गवर्नेंस की और भी जो चीजें हैं वो गुड गवर्नेंस की तरफ ले जानी चाहिए।
ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका, नवलकांची आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए बीजेपी की यूपी में लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदों की हार हुई है, इससे सबक लेते हुए योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और खासतौर पर नकेल कसी जा रही है तो अधिकारियों पर।